आइए देखते हैं कि एक आम से कैसे अलग अलग तरह की कटिंग करके हम प्लेट को सजा सकते हैं, और वो भी एकदम शूशटाक। ये देखिए, ये मैंने आम लिया है, बड़े साइज का आम है ये। स्टेप वन में हम डाइस कटिंग करेंगे। डाइस कटिंग करने के लिए मैंने आम को ऊपर से कट कर लिया है। ऊपर से कट करने के बाद इसमें मैं चाकू की सहायता से ये वर्टिकल कट लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े गैप में कट लगा रही हूँ। हॉरिजॉन्टल भी इसमें मैं कट लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग गैप देख सकते हैं कि आपको कितने बड़े डाइस चाहिए, ध्यान से कट लगाइएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह से सजाने के लिए फूल भी बना सकते हैं, नीचे पे उसको पुश करके। देखो, ये इस तरह से फूल बन जाएगा। अदरवाइज डाइस कटिंग करने के लिए हम फिर एक स्पून लेंगे, स्पून से इसको नीचे की तरफ से पुश करते हुए इस तरह से हम डाइस निकाल लेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे से कितने सुंदर डाइस निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा गैप नहीं लिया था कटिंग में, इसलिए मेरे छोटे छोटे डाइस निकल रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही ईजिली सारे डाइस निकल जाएंगे। अब आते हैं स्टेप टू पर, जिसमें हम मैंगो की स्लाइसिस कट करेंगे। इसमें जो हमारा बचा हुआ मैंगो था, इसको हम छील लेंगे। ये देखिए, हम जो छीलने वाला चाकू होता है ना, उसकी हेल्प से मैंगो को इजीली छील लेंगे। देखिए, इस तरह से हम मैंगो को छील लेंगे। ये मैंने सारा मैंगो छील लिया है। साइड से इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे नाइफ से। इसके बाद हम इसको जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में काटा था ऊपर से, इसको ऊपर से कट करेंगे। एंड देन इसकी हम साइडों से भी कट करके रख लेंगे, साइडों से भी, क्योंकि इसका अच्छा पल्प होता है। वहाँ से भी इसको कट करके हम एक तरफ साइड में रख देंगे, और गुठली को भी अभी एक तरफ साइड में रख देंगे। इसके बाद हम इसमें से थिन स्लाइस निकालेंगे। ये देखिए, ये किस तरीके से मैं कट कर करके इसके स्लाइसिस बना रही हूँ। इस तरीके से आपको कट करना है। ये देखिए, इस तरह से कितनी सारी स्लाइसिस निकल कर आ गई है। अब हम आते हैं स्टेप थ्री पर, जिसमें हम क्यूब्स कटिंग करेंगे। जो मैंगो की साइड वाले पार्ट हमने काटे थे ना, उसमें से अपने ही अकॉर्डिंग जिस भी साइज़ के हमें चाहिए, उसमें से इस तरीके से क्यूबिकल शेप में हम इसको कट कर देंगे। ओके, सो हमारा सारा मैंगो यूज़ हो गया। अब हम आते हैं स्टेप फोर पे, जिसमें हम मैंगो पल्प निकालेंगे। जो हमारी गुठली बची थी ना, उसमें, ये देखिए, मैं ऊपर की सहायता से चाकू से ऐसे उसको खरोच खरोच के सारा पल्प निकाल रही हूँ। इस तरह से सारा पल्प निकाल लेंगे, इसको हम क्रश भी कर देंगे। अब हम मैंगो की प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंगो की जो मैंने डाइस बनाए थे, उसको डाले हैं मैंगो की स्लाइसिस। कितनी सुंदर लग रही है ये स्लाइसिस। मैंगो के क्यूब्स डाले हैं, मैंने बड़े बड़े शेप में क्यूब्स काटे थे, आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। और जो पल्प था, उसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र करके रख दिया है। अब ये मैंगो प्लेट हमारी रेडी हो गई है। हम इसे सर्विंग में भी यूज़ कर सकते हैं। पल्प की हम आइसक्रीम भी बना सकते हैं या पुडिंग बना सकते हैं। डाइसिस और क्यूब्स को हम गार्निश में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट्स मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे न्यू रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।